हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे को ज़रूर दबाएं। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं दहेड़े का चूरमा। तो उसके लिए मैंने ले लिया है आटा। आटा में मोइन मैंने घी का मिला लिया, जैसे मोइन बोलते हैं, इसमें आटा में मिक्स कर लिया है मैंने घी। अच्छे से मैं हाथ से अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छा डलता है इसमें घी, जितना डालो उतना ही अच्छा बनता है चूरमा। राजस्थानी चूरमा भी कहते हैं इसको। वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है और ये है हनुमान जयंती वाले दिन की है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। उस दिन लड्डू भी बनाए थे और चूरमा भी, तो आज मैं इसका वीडियो डाल देती हूँ। दोनों मिक्स करके डालती तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती। तो आटा मैंने लगा लिया है अच्छे से, आटा जैसे टाइट टाइट लगाया है और 5-7 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। जो घी गरम हो रहा, घी मैंने डाल लिया है, घर का घी है जैसे देसी घी, वो मैंने इसमें डाल लिया है। और हाथ से हम ऐसे करके और बीच से दबा देंगे तो ये अच्छे से पक जाएंगी, मोटी मोटी नहीं रहेंगी। तो घी गरम हो रहा है और थोड़ा सा गरम हो जाता है, तो इतने में इनको बना बना के रख लेती हूँ। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसके साथ मैंने बनाई है चने की दाल। चने की दाल के साथ टेस्टी लगता है चूरमा, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनाने में और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो ये ऐसे बना बना के मैं रख लेती हूँ। घी गर्म होगा तो जैसे पकने में तो टाइम लेते हैं, 10 मिनट ले लेते हैं, जैसे सिमाज पर हम अच्छे से अंदर तक पकाते हैं। तो सारों को मैंने ऐसे बना लेती हूँ। घी गर्म होगा जो बीच में ही डाल दूँ मैं इसमें। जैसे दोनों हाथों से हम बना सकते हैं लेकिन लोईच बना के, और इसको जैसे बीच से करके और मैं कट कर लेती हूँ, फिर दोनों हाथों से मैं इसको दबा देती हूँ। वैसे गोल गोल भी बना लेते हैं, वो भी पक जाते हैं, पर वो थोड़ा सा बीच से जैसे कच्चा ज़्यादा रह जाते हैं। तो मैं ऐसे ही पकाती हूँ। गोल वाले भी मैंने बनाए थे पहले, और जैसे ये हैं, ये कम कच्चे रहते हैं, अंदर से अंदर तक पक जाते हैं। तो घी को मैंने चेक किया, घी गरम हो गया था, तो इसमें डाल देती हूँ। मैं गैस को कर रखा है मैंने सिम, सिम आँच पर ही पकाऊंगी, क्योंकि अंदर तक पकाने हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा पर पक अच्छे से जाएंगे अंदर तक। तो 5-6 डल गए हैं। 5-6 डलने के बाद मैंने इसको फिर बनाना शुरू कर दिया है। सारों को बना के रख लेती हूँ। जैसे एक तरफ से पकेंगे तो मैं दूसरी तरफ पलट दूंगी इसको। अभी तो अच्छे से पकने देती हूँ। सिम आंच पर धीरे पकते हैं तो उतने ही अच्छे पकेंगे सिम आंच पर। तो सारे मैंने बना लिए हैं और एक तरफ से पक गए हैं तो दूसरी तरफ मैं इसको पलट देती हूँ। जैसे एक तरफ से पक गए, ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं, ऊपर से भी पता चल जाता है कि एक तरफ से पक गए हैं। पलट पलट के इसको मैं अच्छे से पका लूंगी। तो इसको सारों को मैंने पलट दिया है। पलटने के बाद मैं जैसे चीनी पीसनी होती है इसके लिए, तो चीनी को पीस लेती हूँ जैसे इसमें। तो मैंने चीनी को निकाल लिया है, अभी तो पीसी नहीं है इतना, ये पक गए थे तो मैं इनको निकाल देती हूँ पहले। तो घी इसका मैंने इसमें ही झार दिया जैसे, अच्छा इसी से जर से, और इनको मैंने एक तरफ निकाल दिया है। कई पक जाते हैं, घी जैसे कढ़ाई छोटी लगती है पर घी ज़्यादा है इसमें तो अच्छे से पक जाते हैं। ऊपर तक घी होना चाहिए, जैसे ये डूबने चाहिए, दोनों तरफ से पकते रहें, कम घी में अच्छे नहीं पकते हैं ये। तो 1/2 किलो घी के नज़दीक मैंने इसमें डाला है पकने के लिए। अब इनको जैसे बीच से तोड़ के मैंने दोबारा भी ऐसे ही डाल दिया, वो पकते रहेंगे। इनको मैं तोड़ के थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। जैसे ठंडा होने के बाद मिक्सी से पीस लूँ, मिक्सी के जार में डाल के बहुत अच्छा पीस जाता है। तो ये मैंने चीनी पीस ली है, जैसे चीनी ही डलती है इसमें, बूरा भी डाल सकते हैं पर मैं चीनी पीस के डालती हूँ इसमें। तो वो तोड़ के मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, गर्म ज़्यादा है तो 2-3 मैंने छोड़ दिया है। और वो एक तरफ से पक गई थी तो उनको दूसरी तरफ फिर पलट देती हूँ। तो सभी को ऐसे ही पकानी है। तो जैसे चीनी पीसी थी मैं उसी जार में इनको डाल लेती हूँ जो ठंडी हो गई, और ये भी थोड़ी सी ठंडी हो गई तो तोड़ के इसको डाल लेती हूँ। ज़्यादा ठंडे होने के बाद ही पीसते नहीं हैं अच्छे से, जैसे महीन नहीं पीसता, दरा दरा रहता है। तो गरम गरम को ही मैं पीस लेती हूँ मिक्सी में।
तो सभी को मैंने 6-7 थी, इनको सभी को तोड़ के मैंने इसमें डाल लिया है। तो इसको बना लेती हूँ मैं चूरमा। तो मिक्सी में मैंने पीस लिया है और 1 मिनट सेकंड भी नहीं लगती, जस्ट चलाते हैं, चलाने के बाद गर्म होता है तो बहुत जल्दी पीस जाता है। तो पीस के तैयार हो गया है, मैंने निकाल दिया है एक बार का। साथ साथ पीसती रहती हूँ मैं, जैसे एक बार पकता है उसी को मैं ठंडा कर लेती हूँ, ठंडा करने के बाद थोड़ी सी देर, और फिर उसी को इतने दूसरी पकता है इतने मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेती हूँ। जैसे साथ साथ काम भी होता रहता है और गरम गरम पीस भी, ज़्यादा ज़्यादा गरम नहीं पीसती हूँ, थोड़ा ठंडा तोड़ के रख देती हूँ, फिर मैं पीस लेती हूँ। तो इन्हीं पे मैं अलट पलट के पका लेती हूँ। वैसे ही पकने के बाद अपने आप पता चल जाता है कि पक गए हैं, अच्छे से ब्राउन हो जाते हैं। तो दूसरी डाला था मैंने, जो भी पक गए हैं तो इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये अब निकाल लेती हूँ प्लेट में, जैसे उसमें तो मैंने रात में चूरमा डाल दिया है और साथ में मिक्सी रख ली है मैंने। जैसे मिक्सी साथ साथ ठंडा करके पीसती रहूँगी, काम भी जल्दी हो जाएगा। वो भी निकाल ली हूँ, इसी तरीके से मैं और डाल देती हूँ इसमें। जैसे सारा करने में आधा घंटा लगता है, आध पौन घंटा लग जाता है सारा बनाने में चूरमा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता। इतना टाइम तो लगेगा जैसे पकने में लगता है इसको टाइम, थोड़ा सा पीसने में और ये करने में टाइम नहीं लगता इसमें। तो इनको भी तोड़ के मैं ठंडा कर लेती हूँ थोड़ा सा, जैसे इनका ठंडा हो जाएंगे उसके बाद मैं पीस लेती हूँ इनको। उसके बाद इसमें डालने के लिए ले लिए मैंने काजू बादाम। अब की बार मैं इसमें तल के नहीं डालूंगी, तल के डालती हूँ तो अब की बार सीधा डालूंगी इनको और महीन करके डालूंगी। जैसे मिक्सी के जार में पीस के, ज़्यादा मोटे मोटे होते हैं तो बच्चे अलग कर देते हैं इसको, बच्चे नहीं खाते हैं। थोड़ा सा बचा है, जैसे 2 बार और डलेंगे तो एक बार में ही तो ज़्यादा हो जाएंगे, 2 बार और डलेंगे। 2 बार डाल के मैंने पीस लिया है, तीसरी बार डला हुआ है, 2 बार और डलेंगे, इतने ही बनाए हैं मैंने। तो मैंने काजू और बादाम भी पीस लिए थे और सारा चूरमा जैसे बन के तैयार हो गया है। अब इसमें अच्छे से नहीं मिक्स होगी बूरा, जैसे चीनी पीस के रखी, सॉरी बूरा नहीं है, चीनी है, तो अच्छे से मिक्स नहीं होगी इसमें। तो मैंने डाल लिया बड़ा पतीला में, पतीला में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और गर्म ही है अभी, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। साथ साथ में जैसे पीसते रहे हैं तो ऊपर जैसे पीसा था वो गर्म हो, इसमें पूरे में मैंने मिला दिया है कि ठंडा हो जाए सारा, नहीं तो चीनी डालते हैं तो फिर चिपचिपा हो जाता है। तो अब इसमें मिक्स कर देती हूँ मैं। जैसे काजू बादाम पीस के रखे हैं मैंने, महीन पीसे हैं, बच्चे निकाल देते हैं, काजू बादाम हैं तो ये मैंने पीस के रखे थे इसमें, इसमें मिक्स मैंने कर दिए हैं सारे। इनके बिना तो इनमें टेस्ट नहीं आता सीधा। और ये मैंने जैसे चीनी पीस के रखी है तो इसको मिक्स कर देती हूँ इसी में। सभी को मैं अच्छे से दोनों हाथों से मिला देती हूँ। तो ये मिला दिया है, जैसे मीठा मैंने और काजू बादाम, फिर कढ़ाई में जैसे घी रखा था, घी को भी इसमें मिक्स कर देती हूँ, जो बचा था जितना डलेगा उसमें डाल देती हूँ। ज़्यादा तो नहीं डलता है इसमें, पर जितना होगा मैं पूरा इसको इसी में डाल दूँगी जो सिर्फ कढ़ाई में था, ये तो डल ही जाएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। घी भी गर्म है, जैसे ये भी गर्म है तो थोड़ा थोड़ा